हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकेश गुप्ता। आज आप देख रहे हैं ब्लॉग्स बाय पीजी। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ ना गाइस, इसके बारे में आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखी होगी। गाइस, आज की वीडियो में आपको सोने की साइकिल दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, रियल 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड साइकिल के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल भी दूंगा, साथ ही इसके जो पीछे की रियल स्टोरी है ना वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होना है, इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करना, एंड तक जो देखना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब जो उसे कहीं देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना ही देखे आज वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले इस साइकिल को बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो दोस्तों, इसमें हमें 16 इंचेस का फ्रेम, 26 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। इसमें आगे वाले जो व्हील लगाए वो क्विक रिलीज के साथ आते हैं, और साथ ही साथ जैसे हमें पीछे की तरफ को 7 गियर देखने को मिल जाता है। आगे पीछे दोनों ही हमें व्हील ब्रेक भी देखने को मिल जाते हैं। गाइस, ये ड्रॉप हैंडल बार वाली साइकिल हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब गाइस, मेन बात आती है, क्या ये साइकिल चलती है काफी या फिर खाली देखने के लिए बनाई गई है? तो दोस्तों, ये साइकिल प्रॉपर चलती है, बल्कि चलना क्या कहते हैं, दौड़ती है। दोस्तों, इसका जो डिजाइन है वो आप देखें, जो नेशनल लेवल पे जो रेसिंग होती है उसके साथ इसे मैच करके ही बनाया गया है। इसमें वही ड्रॉप हैंडल बार्स लगाए गए और वही इसकी स्पेशलाइजेशन के साथ मैच करते हैं। तो दोस्तों, ये साइकिल चलती भी है और दौड़ती भी है। अब दोस्तों, मेन बात आती है, क्या सोना इतना मजबूत होता है कि उस पर कोई ऐसी चीज बनाई जाए साइकिल टाइप की तो संभाल ले, और क्या ये रियल सोना है? तो दोस्तों, ये जो साइकिल है गाइस, ये पूरी सोने की नहीं बनी हुई, क्योंकि हम लोग जानते हैं इतना एप्लीकेबल नहीं होता सोना। तो दोस्तों, ये जो है एल्यूमिनियम बॉडी की साइकिल देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों, इसमें हमें पूरा रियल 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग भी कर रखी है, ना कि दोस्तों कोई पॉलिशिंग या कोई पेंट नहीं मार रखा है, रियल इसमें सोना लगा रखा है। अब दोस्तों, मेन बात आ रही थी कि भाई इसका प्राइस क्या? तो दोस्तों, इसका जो प्राइस है जो इंडियन रुपीज के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपीज हमें पड़ता है, और गाइस, ये किसी एक दुबई के बंदे ने खरीदी थी। जब उसने खरीदी तो गाइस, ने इतना ही इसमें पे किया था। तो दोस्तों, आप सोच रहे थे कि अमेजिंग बात है, 2.5 करोड़ रुपए की एक साइकिल हमने कभी सोची भी नहीं थी। अगर आप लोगों ने कभी सोची या देखी है तो कमेंट करके उसे बताना। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो लेते हैं, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, चैनल पहले सब्सक्राइब उसे कर दें, साइड में पहले कर उसे ही जोर से दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी बढ़िया बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमसे कुछ कहना बताएं, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खाली होता है, उसे लिख देना, और इस साइकिल आपकी क्या राय है वो भी जोर से बता देना। तो मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।